अज़ुबिल्लाशीम बसमिल्लाम अल्लाम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो का टॉपिक आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। इसका नाम है एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हमने पिछले लेक्चर के अंदर एजाइल की टर्म यूज़ की थी, वहाँ पे हमने इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं देखी थी। आज हम देखेंगे इसकी डिटेल, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है और आज के टॉप वीडियो के अंदर हम कौन से टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, एजाइल के जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके अलावा एजाइल डेवलपमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, स्केलिंग एजाइल मेथड, ये चार चीज़ें आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आपको समझ आएगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो सबसे पहले तो रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है ये बताना चाहता हूँ। रैपिड डेवलपमेंट एंड डिलीवरी इज नो ऑफन द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायर फॉर द सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब ये बहुत ज़रूरी हो गया कि रैपिड डेवलपमेंट की जाए, रैपिड डिलीवरी की जाए, हर चीज़ मतलब फौरी चाहिए होती है। इसलिए क्योंकि बिज़नेस की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही होती है और बिज़नेस कभी भी ये नहीं कहेगा कि जी मैं कुछ दिन के लिए रुक जाता हूँ, आप इतनी देर में अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर लें, ऐसा नहीं। बिजनेस कहता है आज ही मेरे पास जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं और ये फौरन ही अपडेट हो जाने चाहिए। सॉफ्टवेयर हैज़ टू इवॉल्व क्विकली टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग बिजनेस नीड, इसलिए सॉफ्टवेयर को चाहिए चेंजिंग जो है उसकी क्विकली होनी चाहिए। प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर सम टाइम ऑफ सिस्टम बट डज नॉट मीट दीज बिजनेस नीड्स। प्लान ड्रिवन में क्या होता है कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर हमने बनाना है उससे पहले हमने उसको पूरा प्लान करना होता था, सारी रिक्वायरमेंट डिज़ाइनिंग सब कुछ पहले से प्लान होना चाहिए, फिर उसके बाद हम उस पर काम शुरू करते थे। लेकिन एजाइल सिस्टम या रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अंदर ये चीज़ नहीं होती। उसके अंदर हमें क्या होता है कि हमने हर चीज़ जो है वो फौरी करनी है, प्लान नहीं बनाना, बस आप काम शुरू कर दें। एजाइल डेवलपमेंट मेथड इमर्ज इन 1990s वाज टू रेडिकली रिड्यूस द डिलीवरी टाइम फॉर वर्किंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। एजाइल का जो बेसिक पर्पज़ यही है कि डिलीवरी टाइम जो इसको रिड्यूस किया जाए। एजाइल डेवलपमेंट होती क्या है, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर इंटरलीव्ड। जो प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशन है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे इंटरलीव्ड होती है, मिक्स होती है। द सिस्टम इज डेवलप एज अ सीरीज ऑफ वर्जन ऑफ इंक्रीमेंट विद स्टेक होल्डर इन्वॉल्व इन वर्जन स्पेसिफिकेशन एंड इवेल्यूएशन। जो पूरा सिस्टम डेवलप किया जाता है वो वर्जन की फॉर्म में डेवलप किया जाता है। थोड़ा सा सिस्टम डेवलप किया दैन उसको इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा सा फिर और डेवलप किया फिर उसको इंटीग्रेट कर दें। फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ न्यू वर्जन फॉर इवेल्यूएशन, हर टाइम एक नई फ्रीक्वेंट डिलीवरी जो है वो आती रहती है। एक्सटेंसिव टूल सपोर्ट, ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल यूज सपोर्ट डेवलपमेंट, टूल यूज़ किए जाते हैं, ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल यूज़ किए जाते हैं ताकि फौरी तौर पर जो है साथ ही टेस्ट किए जा सके, क्योंकि एजाइल डेवलपमेंट के अंदर टाइम की बहुत कमी होती है। एजाइल का मैनिफेस्टो भी है कि काम जल्दी से जल्दी किया जाए। मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, फोकस ऑन वर्किंग कोड। डॉक्यूमेंटेशन जो है मतलब ये एजाइल का एक नारा समझ लें कि मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, फोकस ऑन वर्किंग कोड। डॉक्यूमेंटेशन पे कम जोर होगा, कोड पे ज़्यादा होगा। प्लान ड्रिवन एजाइल जो पीछे हमने पढ़ा है वही उसकी डायग्राम बताइए इसने। प्लान ड्रिवन में क्या होता है, आप रिक्वायरमेंट सारी इकट्ठी करते हैं, उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की जाती है, यानी आप डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बनाने के बाद आप उसको डिज़ाइन इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन एजाइल के अंदर क्या होता है, आप जस्ट रिक्वायरमेंट बनाएंगे, क्लियर इकट्ठी करेंगे, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाएंगे। ये जो डॉक्यूमेंटेशन बनाने में, डिज़ाइनिंग करने में जो टाइम लगता है वो सारा एजाइल डेवलपमेंट में से रिमूव कर दिया जाता है। प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट, प्लान ड्रिवन अप्रोच टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज बेस्ड अराउंड सेपरेट डेवलपमेंट स्टेजेस विद आउटपुट टू बी प्रोड्यूस एट ईच ऑफ दीज स्टेजेस प्लान्ड इन एडवांस, नॉट नेसेसरी इन वाटरफॉल मॉडल। प्लान ड्रिवन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इज पॉसिबल, इटरेशन अकर विद इन एक्टिविटीज। प्लान ड्रिवन में क्या होता है, पहले से आपने सारा प्लान करना है, जो प्लान किया उसी के ऊपर वर्क हो रहा होता है। लाजमी नहीं है कि वाटरफॉल के अंदर ये प्लान इंक्रीमेंटल जो है डेवलपमेंट उसके अंदर भी प्लान हो सकता है। एजाइल डेवलपमेंट क्या चीज़ है, दी स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन इंप्लीमेंटेशन टेस्टिंग आर इंटरलीव्ड एंड आउटपुट फॉर्म द डेवलपमेंट प्रोसेस आर डिसाइडेड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन ड्यूरिंग ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन इंप्लीमेंटेशन ये सारी चीज़ें टेस्टिंग इकट्ठी हैं, इंटरलीव्ड है, तो इसमें जो ज़्यादा फोकस है वो कोडिंग के ऊपर होगा, यानी हम ये कोई स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन वगैरह की तरफ नहीं जाएंगे।
जाइल की डेफिनेशन तो आपने देख ली, अब हम देखते हैं कि जाइल के डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं। जो जाइल ने जो यहाँ पे बताया, मैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग लूँगा उसके बाद फौरन इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, तो ये दो काम करने के लिए जाइल ने अपने एक मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए। वो मेथड्स कौन से हैं? जो पहला मेथड जो है वो क्या होता है वो बताऊँगा मैं आपको। डिससर्टिफिकेशन विद द ओवरहेड्स इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मेथड 1980 लेड टू द क्रिएशन ऑफ जाइल मेथड। असल में क्या हो रहा था कि 80 और 90 की दहाई में जो लोग जो हैं वो सॉफ्टवेयर तो बनवा रहे थे, बना रहे थे, उस पर काम हो रहा था, लेकिन सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि बहुत लेट हो जाता था काम। और तो इस जो लेट होने की जो कमी थी इसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया जी, एक एजाइल मेथड इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अंदर जो मेन फोकस ये था जी, फोकस ऑन द कोड रादर देन डिज़ाइन आर बेस्ड ऑन इटरेटिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इटरेटिव अप्रोच पे जोर था, आर इंटेंडेड टू डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर क्विकली एंड वाल दिस क्विकली। और जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता था उसमें ये कोशिश होती थी कि रिक्वायरमेंट जो फौरी से फौरी पूरी हो सके। द एम ऑफ एजाइल मेथड रिड्यूस ओवरहेड इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। वही बातें वो बार बार कर रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इसको दरमियान में से निकाला जाए। एजाइल मैन का मैनिफेस्टो भी यही है कि वो ये चाहता है कि जो काम हो वो फौरी हो सके, ताकि जितने जो दरमियान में गैप आते हैं डिज़ाइन के, इम्प्लीमेंटेशन के, वो सारे निकल जाने चाहिए। एजाइल के कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं। पहला प्रिंसिपल ये कस्टमर एनवायरनमेंट, ये इसकी एक अच्छी खूबी भी कह लें या प्रिंसिपल कह लें, और खूबी अच्छी है कि कस्टमर जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो भी साथ ही बैठा होता है, और जैसे जैसे उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से बताता रहता है कौन सी चीज़ मुझे पहले चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में चाहिए। इससे सॉफ्टवेयर थोड़ा जल्दी बन जाता है। इनकी मेंटल डिलीवरी होती है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बना लिए फिर उसको चेक करवा दें कस्टमर को कि वो इससे सेटिस्फाई आए नहीं है, सेटिस्फाई आया तो ठीक है अगला काम करें, नहीं है तो उसको ठीक करें। पीपल नॉट प्रोसेस, इसमें ये नहीं होता कि जी आपने एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करें, जो लोग जिस तरह काम करना चाह रहे हैं हम उस तरह उनको फेवर करेंगे ताकि उनको बाउंड ना किया जाए एक प्रोसेस के अंदर। एम्ब्रेस चेंज, इसमें यह होता है कि जो भी चेंज आपने बाद में आती है, जो आपने एक थोड़ा सा एक डिलीवरी इंक्रीमेंट डिलीवरी कर दी है, दोबारा आप जो उसमें से मजीद जो चेंज कर सकते हैं। मेंटेन सिंपलिसिटी, हम सिंपलिसिटी जो है सॉफ्टवेयर की उस पर ऊपर भी फोकस होता है ताकि जो सॉफ्टवेयर जो भी कोई यूज़ करे तो उसे अच्छी तरह समझ आ सके, सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी जो है वो नहीं पता चलनी चाहिए। उसके अलावा एजाइल मेथड एंड एप्लीकेबिलिटी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वेयर द सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलपिंग स्मॉल और मीडियम साइज प्रोडक्ट फॉर सेल, वर्चुअली ऑल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड एप्स आर नाउ डेवलप्ड यूजिंग एजाइल अप्रोच। अब जो कह रहा है कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जहाँ पे कंपनी जो है सॉफ्टवेयर छोटे और मीडियम साइज के जो प्रोडक्ट बनवाती है वहाँ पे एजाइल मेथड यूज करती है, उसकी वजह आपको पता है, मैं बता चुका हूँ पहले कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन है इसके ऊपर उसका फोकस नहीं होता। कस्टम सिस्टम डेवलपमेंट विद एडिशन विद देयर इज अ क्लियर कमिटमेंट फ्रॉम द कस्टमर टू बिकम इन्वॉल्व। कस्टमर भी बिल्कुल इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट के साथ साथ, और सारे रूल रेगुलेशन जो भी हैं वो साथ साथ वो क्लियर करता रहता है। फिर एजाइल डेवलपमेंट टेक्निक्स, ये तो थे वो मेथड बताए जाते हैं, मेथड काम कैसे करता है, एजाइल मेथड काम कैसे करता है ये आपको इसमें पता चल जाएगा। इस यहाँ पे कि एजाइल मेथड का काम ये है कि वो डिज़ाइन के फोकस कर नहीं करता बल्कि कोड पर फोकस करता है। एजाइल मेथड टेक्निक, अब एजाइल की जो टेक्निक्स हैं, जो एजाइल को मेथड जो है उसको कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, उसका एक जो मेथड है वो ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। वेरी इन्फ्लुएंशियल एजाइल मेथड डेवलप एट द लेट इन द लेट 1990 इंट्रोड्यूस अ रेंज ऑफ एजाइल डेवलपमेंट टेक्निक। 1990 के अंदर जो है वो एजाइल मेथड जो इंट्रोड्यूस कराया गया उसका नाम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग था। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में ये होता था कि नए वर्जन जो बिल्ड किए जाते थे एक ही दिन के अंदर काफ़ी सारे वर्जन बिल्ड हो जाते थे, और इसके अंदर ये होता था हर जो इंक्रीमेंट डिलीवरी होती थी वो कम अज़ कम 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक की होती थी। जितने भी टेस्ट होते थे वो फौरी तौर पर चेक किए जाते थे, और अगर तो टेस्ट सक्सेसफुल है तो वो जो इंक्रीमेंट डिलीवरी है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता था, अगर टेस्टिंग फेल है तो वो डिलीवरी फेल हो जाती थी। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग रिलीज साइकिल जो हमने पीछे पढ़ा है वही उसको दोबारा बता रहा है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में ये जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है इसमें बता रहा है कि काम कैसे होता है। सबसे पहले तो ये यूज़र जो है जो भी आपके कानिश रहेगा, जी मेरी ये रिक्वायरमेंट है, जी मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, फिर जब आप सारी बता लेगा उसके बाद उसके जो सारी कहानियाँ हैं उसकी जो टास्क हैं वो उसको आप ब्रेक डाउन कर लें छोटे छोटे, फिर उसके बाद प्लान रिलीज करें कि जी हमने ये वाला काम इतने दिनों में करना है, ये वाला काम इतने दिनों में करना है, फिर उसको डेवलप करना शुरू करें, देन उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करें और उसके बाद इवेलुएट करें। इस तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, ठीक है। ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में ऐसे कोई सॉफ्टवेयर वो रिलीज़ होता है।
उसके बाद जेक्सिम प्रोग्रामिंग के जो कुछ प्रैक्टिस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो इनकी मेंटल प्लानिंग होती है इसके अंदर। जो हर जो एक आपने जो स्टोरीज ली थी, जो रिक्वायरमेंट ली थी, हर रिक्वायरमेंट की अलग से प्लानिंग होगी। उसके पहले एक रिक्वायरमेंट की प्लानिंग की जाएगी, उसको डेवलप किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा पहले इकट्ठी सी सारी प्लानिंग करनी। स्मॉल रिलीजेज होती हैं, जो हमने एक एक, एक छोटे से मॉड्यूल की हमने इनकी प्लानिंग की है, उसी के रिलीज किया जाएगा, उसी का डिज़ाइन बनाया जाएगा और उस टेस्ट फर्दर में उसी को पहले से टेस्ट किया जाएगा। देन अगर उसमें कोई मसला है तो फिर उसको चेंज किया जाएगा। पेयर प्रोग्रामिंग इसके अंदर ये होती है कि जो काम करने वाले होते हैं वो पेयर्स की शक्ल में होते हैं, ताकि एक बंदा जो दूसरे के काम पे नज़र रखे, दूसरा पहले के काम पे अगर कोई मिस्टेक होती है तो फौरी कलेक्टिव ऑनरशिप होती है। अगर किसी को कहीं पे मिस्टेक नज़र आती है तो वो ख़ुद उसको हल कर सके, ना ये कि वो दूसरे का इंतज़ार करता रहे जिसने ये काम किया वही ठीक करेगा, ऐसे नहीं होगा। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन जो है वो इसके अंदर होती है, जैसे जैसे आप जो रिलीज़ होते रहते हैं आपके छोटे छोटे मॉड्यूल्स, वो साथ साथ उनको इंटीग्रेट करते रहते हैं। सस्टेनेबल पेस, लार्ज अमाउंट ऑफ ओवर टाइम आर नॉट कंसीडर सस्टेनेबल। ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा कंसीडर भी नहीं किया जाता और उसमें कोड की क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाती। ऑन साइट कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंड यूजर ऑफ द सिस्टम शुड बी अवेलेबल। कस्टमर जो है वो हर टाइम मौजूद होता है, किसी किस्म का भी कोई मसला है तो वो एक्सिम प्रोग्रामिंग की जो टीम है उसके साथ जो वो शेयर कर सकता है, और जो भी कस्टमर के साथ इन्वॉल्व होता है सारी की सारी जिम्मेदारी उस पर भी होती है। तो क्योंकि एक सॉफ्टवेयर जो पूरी कंपनी ने यूज़ करना है, तो कंपनी में से एक आधा बंदा जो भी उन्होंने सेलेक्ट किया कि ये बंदा जहाँ पे बैठेगा, तो वो उसकी जिम्मेदारी है क्या वो कैसे उसको हैंडल करेगा। एक बंदा वो अपने लिहाज से अगर सोच रहा तो उसको भी ये देखना है कि मैं बाकी टीम जो है वो कैसे काम करेगी, बाकी कंपनी के लोग कैसे काम करें, उसके लिए सबका सोचना ज़रूरी है। एक्सिम प्रोग्रामिंग एंड एजाइल प्रिंसिपल्स, इसमें क्या होता है जी, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इज सपोर्टेड थ्रू स्मॉल फ्रीक्वेंट सिस्टम रिलीज। वही चीज़ें जो पीछे पड़ी हैं, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके बाद पीपल नॉट प्रोसेस थ्रू प्रोग्रामिंग कलेक्टिव ऑनरशिप होती है, उसके अलावा चेंज सपोर्ट होता है इसके अंदर, मेंटेन सिंपलिसिटी थ्रू कॉन्स्टेंट रिफेक्टिंग द कोड। उसके बाद जाता है जी इन्फ्लुएंशियल एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो बहुत मतलब असरदार होती हैं। वो क्या है जी, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर हैज़ अ टेक्निकल फोकस एंड इज नॉट इजी टू इंटीग्रेट विद मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। Consequently, the agile development user practice uses practice from XP. The method as originally defined is not widely used. Method कोई define नहीं होता, लोगों ने खुद से काम करना था। जैसे मैंने आपको बताया था, practices यही है कि user story बनाई जाती है, सबसे पहले refactoring होती है उसकी, test first element होती है, pair programming होती है। ये चीज़ जो पीछे पड़ी हमने diagram के अंदर, ये वाली चीज़ है, ये वाली यहाँ उसने बताई है, ये चीज़ की practices। उसके बाद जी यूज़र स्टोरी क्या होती है जी, एक्सपी एक कस्टमर आज यूजर इज पार्ट ऑफ द एक्सपी टीम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन आर रिक्वायरमेंट। जो भी कस्टमर होता है वो रिक्वायरमेंट जो भी इसने देनी है उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। यूजर रिक्वायरमेंट जो है वो यूजर स्टोरी की या सिनेरियो की फॉर्म में ली जाती है उससे। तो उसके बाद ये होता है कि रिटर्न ऑन कार्ड जो भी इसने जो रिक्वायरमेंट है उसको लिख लें एक जगह पे, फिर उसको ब्रेक डाउन कर लें कि ये बड़ा काम है तो कुछ छोटे छोटे इसमें डिवाइड कर लें इसमें। उसके बाद कस्टमर की स्टोरी जो सिलेक्ट करें कि इनमें से कौन सी जो प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट है, जिसको पहले करना चाहिए और किसको बाद में करना चाहिए। ये एक पर्सन एक स्टोरी बताइए, आप खुद पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो वो कह रहा है कि ये पेशेंट का रिकॉर्ड है, उसने डॉक्टर से कैसे क्लिक करेगा, तो फिर किधर जाएगा, क्लिक करने के बाद पेशेंट की डिटेल देख सकता है या नहीं देख सकता। मतलब एक सिस्टम बनाना है उसने, अपनी तरफ से पूरी रिक्वायरमेंट बना दी है। अब वो कह रहे हैं रिक्वायरमेंट के छोटे छोटे टास्क बनाने हैं, टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री। ये तीन टास्क बनाने के बाद अब क्या होगा, रिफैक्टरिंग होगी। तो उसके बाद यानी कन्वेंशनल विजम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टू डिजाइन फॉर चेंज। इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग टाइम एंड एफर्ट एंटीसिपेटिंग चेंजेस एज दिस रिड्यूस कॉस्ट लेटर इन द लाइफ साइकिल। ये होता है रीफैक्टरिंग, आप दोबारा उसको एक दफ़ा चेक कर लें, कोई मसला मसाइल तो नहीं है। उसका ये फ़ायदा होगा कि दोबारा आपको नए सिरे से दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मेंटेन दैट दिस इज नॉट वर्थवाइल एज चेंजेस कैन नॉट बी रिलायबल एंटीसिपेटेड। इट प्रपोज कॉन्स्टेंट कोड इम्प्रूवमेंट रीफैक्टरिंग टू मेक चेंजेस इजी व्हेन दे हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। प्रोग्रामिंग टू टीम लुक फॉर पॉसिबल सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट मेक दी, वो चेक करती रहती है साथ साथ, किसी किस्म की जो कोई भी जरूरी चेंज करनी है वो साथ चेंज कर दी जाए। दिस इंप्रूव दी अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सो रिड्यूस द नीड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। इसमें यह होता है सॉफ्टवेयर भी वो ज़्यादा साथ जल्दी जल्दी समझते रहते हैं और जो है वो
ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, चेंजिंग वही हो जाती है बिकॉज कोड जो है वो स्ट्रक्चर क्लियर होता है, और चेंजेस रिक्वायर आर्किटेक्चर रिफैक्टरिंग एंड दिस इज मच मोर एक्सपेंसिव। एग्जाम्पल क्या है जी, रिफैक्टरिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लास रैकेट टू रिमूव डुप्लीकेट कोड, टाइडिंग अप एंड रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स एंड मेथड टू मेक देम इजी टू अंडरस्टैंड, द रिप्लेसमेंट ऑफ इनलाइन कोड विद कॉल्स टू मेथड दैट हैव बीन इंक्लूड इन अ प्रोग्राम लाइब्रेरी। अब हो के एग्जाम्पल दे रहे हैं रिफैक्टरिंग कैसे कोड की होती है, यानी डुप्लीकेट मेथड उनको रिमूव किए जाएँ, अगर जो आपने कोई लाइब्रेरी या क्लासेस बनाए तो उसके जरिए जो है वो आप किसी भी क्लास के अंदर, आप तो पता क्लास होती है उसके अंदर एक मेथड होता है, जब हमने उस क्लास के मेथड को यूज़ करना है तो हम क्लास के एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उस ऑब्जेक्ट के जरिए उस क्लास का जो है वो मेथड यूज़ करते हैं। नहीं समझी, मतलब ये है कि एक घर है, ठीक है, उस घर के अंदर तीन चार बंदे रहते हैं, ठीक है, अब मैं किसी एक से मिलना है, टीम में से एक से मिलना है, तो इन्होंने क्या किया, बाहर एक बंदा खड़ा कर दिया, अब मैंने जिससे भी मिलना है पहले बाहर वाले बंदे को बताऊंगा, वो अंदर आके मुझे बताएगा जी आपने फिलहाल बाहर जो मिलना है वो किसने किससे मिलना है। तो घर एक क्लास है, ठीक है, जो बाहर बंदा खड़ा है वो इसका, अंदर जो तीन बंदे बैठे हैं ये इसके मेथड हैं, और जो बंदा बाहर गेट पर खड़ा है वो ऑब्जेक्ट है, और जिसने जो बाहर जो बुलाने आया है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब वो कोई भी बंदा जो है वो बाहर जो गेट पे बैठा है उसको कहेगा जी ये क्लास के जो ऑब्जेक्ट है, जो बाहर गेट पे बैठा है वो क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो कहेगा जी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे इस बंदे को बुला दो, यानी इस मेथड को बुला दो। अब समझ आ गई होगी आपको क्लास मेथड और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। उसके बाद जी टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग इज सेंट्रल टू एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हैड डेवलप एन अप्रोच वेयर द प्रोग्राम इज टेस्टेड आफ्टर एवरी चेंज हैज बीन मेड। टेस्टिंग जो है वो सेंट्रल पार्ट है जी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का, और यहाँ यही एक समझ लें कि ज़रूरी पार्ट है, यानी टेस्टिंग पास है तो आपकी डिलीवरी पास है, टेस्टिंग फेल है तो डिलीवरी फेल है। टेस्टिंग के कुछ फीचर हैं, टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट, इंक्रीमेंटल टेस्ट डेवलपमेंट होती है, यूजर इन्वॉल्वमेंट होती है उसके अंदर, टेस्ट डेवलपमेंट के अंदर उसकी वैलिडेशन भी होती है, ऑटोमेटेड टेस्ट हार्नेसेस आर यूज टू रन ऑल कंपनी, ऑटोमेटेड टेस्टिंग भी अप्लाई की जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, क्या होती है, राइटिंग टेस्ट बिफोर कोड क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट टू बी इंप्लीमेंट, टेस्ट कोड लिखे जाते हैं जो कि वो ऐसे टेस्ट आर रिटन एज प्रोग्राम रादर देन डाटा सो डैट दे कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, द टेस्ट इंक्लूड चेक इट हैज एग्जीक्यूटेड करेक्टली, वो टेस्ट पास यही चेक करेंगे कि ये जो कोड आप ये करेक्टली वर्क करेगा या नहीं करेगा। ऑल प्रीवियस एंड न्यू टेस्ट आर रन ऑटोमेटिकली व्हेन न्यू फंक्शनलिटी इज एडेड, ये नहीं होगा कि आपने, क्योंकि आप जेल के अंदर आपको पता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपने डिलीवरी करनी है वो छोटे छोटे मॉड्यूल में करनी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक मॉड्यूल आपने बना ली जब नया बनाया तो पुराने वाला काम ही ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जी कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट रोल ऑफ द कस्टमर इन द टेस्टिंग प्रोसेस टू हेल्प डेवलप एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर द स्टोरेज डाटा टू बी इंप्लीमेंटेड इन द नेक्स्ट रिलीज ऑफ द सिस्टम, कस्टमर का इन्वॉल्व जो है वो बहुत जरूरी है, कस्टमर रोज पार्ट ऑफ द टीम, राइट टेस्ट डेवलपमेंट प्रोसीड ऑल न्यू कोड इज देयर फॉर वेटिंग शो डेट व्हाट द कस्टमर, ये जितने भी वो कोड या टेस्ट कोड बनाए जाते हैं वो वैलिडेट तब होते हैं जो कस्टमर उसको ओके करता है। अवर पीपल अडॉप्टिंग द कस्टमर रोल हैव लिमिटेड टाइम अवेलेबल एंड सो कैन नॉट वर्क, क्योंकि हर कंपनी में बंदे की ड्यूटी होती है वो अपना काम छोड़ के जो किधर जो डेवलपमेंट टीम के साथ बैठा रहे तो ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो सही तरह से टाइम नहीं दे सकता। ये वो टेस्ट के डिस्क्रिप्शन फॉर डोज चेकिंग, पहले से क्या होता है जी इनपुट जो दी जाती है फिर उसको टेस्ट किया जाता है, आउटपुट आती है ठीक है आती है तो ठीक है। ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग जो जे यूनिट के जरिए हो सकती है, मुख्तलिफ और टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं, तो जे यूनिट और मुख्तलिफ जो हैं वो होते हैं टेस्टिंग टूल्स, उनके जरिए से ऑटोमेटेड टेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद जी प्रॉब्लम टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है जी, प्रोग्रामर प्रेफर प्रोग्रामिंग टू टेस्टिंग एंड सम टाइम दे टेक शॉर्टकट व्हेन राइटिंग टेस्ट, तो होता ही है कि वो क्योंकि उसको पता है मैं शायद थोड़े टेस्ट लिख दूँ सिर्फ वो कस्टमर ने चेक करना ओके यानी उसके बाद मैं फाइनल कोड बनाऊंगा, तो वो उसमें अंदर जो है ना वो सारी कोडिंग नहीं करता है, कुछ ज़रूरी चीज़ें रह देता है कुछ छोड़ देता है, उसका नुकसान ये होता है कि वो फिर पता नहीं चलता कि चीज़ बाद में जो है वो जब फाइनल आउटपुट इसकी आएगी सॉफ्टवेयर के अंदर तो ये काम करेगा नहीं करेगा, ये इसका प्रॉब्लम होता है टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट का। पेयर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व प्रोग्रामर वर्किंग इन पेयर डेवलपिंग कोड टुगेदर, प्रोग्रामिंग में क्या होता है ये आपको इजी बात समझ आ गई होगी, डेवलपर जो है पेयर की सूरत में काम करते हैं, दिस हेल्प कॉमन ऑनरशिप ऑफ कोड, इसमें ये होता है कि हर बंदा ऑनरशिप होती है उस कोड की, यानी जो बंदा भी काम चेंज कर रहा है वो तो साथ वाला भी इसको कह सकता है या नहीं ऐसे कर दो
ticket several as informed review process at each line of code looked at more than one person. ये भी है कि हर लाइन जो हर कोड है वो एक टाइम पे ज़्यादा सारे लोग देख रहे होते हैं. इट इनकरेज रिफैक्टरिंग एज द होल टीम कैन बेनिफिट फ्रॉम इम्प्रूविंग द सिस्टम कोड. पेयर प्रोग्रामिंग में उसके अलावा प्रोग्रामर इकट्ठे बैठे होते हैं, कोड को डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं. पेयर जो हैं वो डायनामिकली क्रिएट किए जाते हैं ताकि दो सारे मेंबर जो है वो टीम जो है आगे पीछे होती रहे. ऐसे नहीं है दो बंदे इकट्ठे हो गए तो इकट्ठे ही रहें. शेयरिंग ऑफ नॉलेज भी इस तरह होती है, इसका ये फ़ायदा होता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है और रिस्क हैं जो टीम मेम्बर जो एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं. पेयर मेम्बर जो है नॉट नेसेसरली इनएफिशिएंट एंड देयर इज सम एविडेंस दैट सजेस्ट पेयर वर्किंग टुगेदर मोर एफिशिएंट प्रोग्रामिंग देन टू प्रोग्रामर्स वर्किंग सेपरेटली. पेयर प्रोग्रामिंग वो कहता है जी बहुत अच्छी है बजाय कि आप दो अलग अलग प्रोग्रामर बैठा कर उनसे काम करवाएं. ये था जी हमारा अब तक. उसके बाद जी एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है. एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये है कि जी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू मैनेज द प्रोजेक्ट सो डेट द सॉफ्टवेयर इज टू डिलीवर ऑन टाइम एंड विद इन द प्लान बजट फॉर द प्रोजेक्ट. अब प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उसकी मैनेजमेंट भी तो करनी है. जिस टाइम पे इसका टाइम कितना है, कब खत्म शुरू कब करना है, ख़त्म कब होगा, पैसे कितने लगने हैं, कितने लोग काम करेंगे, टाइमिंग क्या होगी काम करने की, ये बहुत ज़रूरी है. मैनेज करना है सॉफ्टवेयर को, मैनेज करना उसको एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है. द स्टैंडर्ड अप्रोच टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस प्लान ड्रिवन. स्टैंडर्ड जो ये प्लान ड्रिवन ही है. मैनेजर एक प्लान ड्रा करेगा, उसके अंदर जो बताएगा क्या क्या डिलीवर होना चाहिए और कब कब डिलीवर होना चाहिए और प्रोडक्ट की कौन कौन सी जरूरी चीज़ें कौन सी चीज़ें जरूरी नहीं है. एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट अप्रोच जो है वो होती है मैनेजमेंट की विच इज अडॉप्टेड इंक्रीमेंट डेवलपमेंट एंड द प्रैक्टिकल यूज इन एजाइल मेथड. ये सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या यूज़ करना है. उसके बाद जिस क्रम क्या होता है, स्क्रम इज एन एजाइल मेथड. ये भी एजाइल का एक मेथड है, फोकस ऑन मैनेजिंग इटरेटिव डेवलपमेंट रादर देन स्पेसिफिक एजाइल प्रैक्टिस. ये कहता है जी इटरेटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए और बजाय हम स्पेसिफिक एजाइल प्रैक्टिस जो है वो उसको यूज़ करें. इसके तीन जो फेजेज होते हैं उसे क्रम के अंदर. इनिशियल फेज के अंदर जो प्लान जो है उसको आउटलाइन किया जाता है कि जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे कौन कौन से हैं प्रोजेक्ट के और उनको डिज़ाइन किस तरह करना है. उसके बाद जी ये सारा कुछ हो जाने के बाद स्प्रिंट साइकिल यानी साइकिल बताया जाता है. इस साइकिल के अंदर जो हमने प्लान किया ये वाला उसको हमने इसको इतने साइकिल के अंदर कंप्लीट करना है, एक हफ्ते में, दो हफ्ते में, कितने हफ्ते में करना. उसके बाद प्रोजेक्ट क्लियर फेज है. अपना प्रोजेक्ट जो क्लियर फेज के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो चेक किया जाता है जी. मतलब ये है कि जितने काम हमने किया था उसको कंबाइन करना, उसको कंबाइंड आउटपुट जाती है वो होनी चाहिए. स्क्रम की कुछ टर्मिनोलॉजी है. डेवलपमेंट टीम होती है जो काम कर रही होती है, अक्सर 7 लोग होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते. उसके बाद वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉफ्टवेयर और जो भी सारा काम है डॉक्यूमेंटेशन के भी. फाइनेंशियली शेपेबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट यानी कि प्रोडक्ट जो आउटपुट है वो थोड़ी थोड़ी करके आती रहती है. एक मॉड्यूल बन गया फिर नेक्स्ट मॉड्यूल बन गया. उसके बाद प्रोडक्ट बैकलॉग है. बैकलॉग में अंदर यह जो हमने करना है क्या करना है और कैसे करना है. उसके बाद जी प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर जो भी आपने काम होते हैं जो लिस्ट कह लें टू डू लिस्ट जो आपने ये वाले काम करने हैं. प्रोडक्ट ऑनर जो होता है वो इंडिविजुअल पर्सन होता है, उसकी जॉब क्या होती है कि प्रोडक्ट के जो फीचर हैं रिक्वायरमेंट हैं उनकी प्रायोरिटाइजेशन करनी है, कौन सा काम जो है पहले होना चाहिए, कौन सा काम जो है लगातार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यानी सारी चीज़ें ये प्रोडक्ट ऑनर की जिम्मेदारी होती है. उसके बाद स्क्रम क्या होता है. स्क्रम में मतलब ये है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी डेली ना एक मीटिंग हो जाती है. उस मीटिंग के अंदर यही बताया होता है जी मैंने ये किया, मैंने ये किया, आगे मेरा ये प्रोग्राम है. स्क्रम मास्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इंश्योर करता है कि जो स्क्रम है वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लोग फॉलो कर रहे हैं टीम को, जो गाइडलाइंस ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा उतर रहे हैं, टाइम पे काम होगा या नहीं होगा, जो भी हमें डेडलाइन मुकर्र की थी काम उस पर मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा. स्प्रिंट क्या होता है, डेवलपमेंट इटरेशन होती है 2 से 4 हफ्ते की होती है. और वेलोसिटी क्या है जी, एन एस्टिमेट हाउ मच प्रोडक्ट बैकलॉग एफर्ट डेट ए टीम कैन कवर इन ए सिंगल स्प्रिंट. वेलोसिटी ये मतलब अंदाज़ा लगाना कि जो एक स्प्रिंट है हमारा कितने दिनों में कवर हो सकता है, कितनी जल्दी कवर हो सकता है. ये सक्रम स्प्रिंट साइकिल जो पीछे हमने पढ़ा वो सबसे पहले तो वर्क जो डन करना है हमने उसका रिव्यू किया जाता है. उसके बाद जो एक सब उसका एक प्रोडक्ट बैकलॉग बनाया जाता है, आइटम सेलेक्ट किए जाते हैं उसके अंदर. फिर जो है प्लान बनता है, इसके जो आइटम सेलेक्ट किए उसका प्लान बनाया. प्लानिंग बनाने के बाद हम स्प्रिंट उसका होगा. स्प्रिंट का मतलब ये है कि उसमें वो साइकिल होंगे यानी उन्हें काम करना शुरू करना है. ये स्प्रिंट डेवलपमेंट इटरेशन इटरेशन होनी है. ये इटरेशन जो है होती है 2 से 4 हफ्ते की. स्प्रिंट बैकलॉग भी साथ साथ बनता रहता है, जो भी आपने पूरे इटरेशन में किया है वो साथ साथ लिखते जाएँ. उसके बाद इसको स्प्रिंट को रिव्यू करें, अगर तो ओके है फिर तो अच्छी बात है, नहीं ओके तो दोबारा जाएं. और
स्प्रिंट को जो साथ साथ डिलीवर भी करते रहें, शिफ्ट करते रहें। स्क्रम स्प्रिंट साइकिल, स्प्रिंट आर फिक्स लेंथ नॉर्मली 2 to 4 वीक्स, 2 से 4 हफ्ते की होती है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है, बैक प्रोडक्ट बैकलॉग से, और जो इसमें यही होता है जो भी हमने डेली का काम करना होता है। सिलेक्शन फेज के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट टीम जो होती है वो जो काम किया था वो फीचर सेलेक्ट करती है कि ये जो हमने डेवलप कर लिए स्प्रिंट के अंदर या करने हैं। उसके बाद स्प्रिंट साइकिल वंस दीज आर एग्री द टीम आर नाइस डन सर टू डेवलप, जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, स्प्रिंट साइकिल हमने डिज़ाइन कर ली है, यानी हमने रिक्वायरमेंट भी ले ली है, स्प्रिंट साइकिल भी किस ये भी कर लिए, आइटम सेलेक्ट कर लिए क्या क्या हमने बनाना है, उसके बाद स्प्रिंट भी क्लियर कर लिए कितने हफ्ते का होना चाहिए, 1 हफ्ते का 2 का या 3 का। तो ये करने के बाद उसके बाद ये वो क्या करता है, इसको स्प्रिंट साइकिल को हम क्या कहते हैं कंबाइन करेंगे। ड्यूरिंग द टीम इज फैसिलिटी फ्रॉम द कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन विद ऑल कम्युनिकेशन चैनल थ्रू सो कॉल्ड द स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट टीम फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट, द वर्क डन इज रिव्यू एंड प्रेजेंट टू स्टेक होल्डर द नेक्स्ट स्प्रिंट साइकिल देन रिव्यू। इसके बाद जो अगला साइकिल बनाया जाता है, टीम वर्क भी हो सकता है स्क्रम के अंदर, जो है स्क्रम मास्टर फैसिलिटेटर होता है क्योंकि उसका सारा काम जो है डेली मीटिंग का ट्रैक करना है, काम को हो रहा है नहीं हो रहा, रिकॉर्ड रखना है, डिसीजन करने हैं और मेजरमेंट करनी है, काम जो है वो बैकलॉग के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो लिस्ट बनाई है उसके मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद होल टीम एक छोटी सी मीटिंग अटेंड करती है जो उसको स्क्रम कहते हैं, और उसके अंदर बस ये बताया जाता है जी मैंने ये काम किया और मेरा आगे ये प्रोग्राम है। बेनिफिट्स के क्या, यानी प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, उसको हैंडल करना ईजी होता है, अनस्टेबल रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा होल टीम हैव विजिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग एंड कंसिक्वेंटली टीम कम्युनिकेशन इज इम्प्रूव, टीम जो आपस में कम्युनिकेशन में रहती है, जारी बात है जब उनकी मीटिंग होती है तो वो आपस में एक दूसरे से शेयर करते होंगे प्रॉब्लम्स और बेनिफिट्स वगैरह। कस्टमर सीज ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ इंक्रीमेंट एंड गेन फीडबैक आउट ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर को भी साथ साथ डिलीवरी मिलती रहती है, फिर उसकी कुछ वो साथ बताता रहता है कि ये प्रोडक्ट ठीक है या गलत है। इस तरह कस्टमर और डेवलपर के दरमियान भी एक थोड़ा सा ट्रस्ट स्टैब्लिश होता रहता है और एक पॉजिटिव कल्चर क्रिएट होता है जो कि हर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्क्रम में ये होता है कि लोग जो है सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे होते हैं, कॉमन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है सबके लिए, एक ही वो टूल्स यूज़ करेंगे, यानी हर बंदा अपनी मर्जी से यूज़ करेगा क्योंकि लेदर लेदर बैठे हैं इसलिए सबको एक ही यूज़ करना हो। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन करते रहना चाहिए ताकि पता चलता रहे सबको कि अब तक ये काम हो चुका है। उसके बाद ये रियल टाइम में कम्युनिकेशन होनी चाहिए टीम मेंबर्स के आपस में, किसी भी किस्म का मसला है ताकि वो फ़ौरन पहुँचा सके, चाहे वो मैसेजेज या वीडियो कॉल किसी भी तरह से हो। प्रोडक्ट आना शुड विजिट द डेवलपर एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद द प्रोडक्ट आना जो वो साथ साथ विजिट करता रहे डेवलपर, साथ चेक करता रहे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद आता है स्केलिंग एजाइल मेथड, एजाइल मेथड को स्केल अप करना, यानी अगर एजाइल मेथड जो है वो उसको आपने लार्ज लेवल पे यूज़ करा, अब तक तो हमने ये पढ़ा एजाइल मेथड जो स्मॉल या मीडियम साइज जो सॉफ्टवेयर उनके लिए यूज़ होता था, बड़े पैमाने पर जाना तो वहाँ पर क्या होना चाहिए। एजाइल मेथड प्रूव सक्सेसफुल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंड कैन बी डेवलप्ड बाय अ स्मॉल कोलोकेटेड टीम, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। इट इज सो सम टाइम आर्ग्यू दैट सक्सेस ऑफ दिस मेथड कम बिकॉज इम्प्रूव कम्युनिकेशन, वजह क्या है जी इम्प्रूव कम्युनिकेशन की वजह से, मेन जो इसमें इसकी कामयाबी का राज क्या है जी एजाइल का, इसके अंदर कम्युनिकेशन होती है, टीम कम्युनिकेट कर रही होती है, कस्टमर कम्युनिकेट कर रहा है, हर बंदे ही कम्युनिकेट कर रहा होता है स्टार्ट से लेकर एंड तक। स्केलिंग अप एजाइल मेथड इन्वॉल्व चेंजिंग दिस स्कोप विद लार्जर लॉन्गर प्रोजेक्ट वेयर देयर आर मल्टीपल डेवलपमेंट टीम परहैप्स वर्किंग इन डिफरेंट लोकेशंस, मल्टीपल स्केलिंग जो मेथड होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं जितना प्रोजेक्ट और हिसाब से लोकेशन पर डिपेंड करता है। स्केलिंग आउट एंड स्केलिंग अप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्केलिंग अप इज कनेक्टेड कंसर्न विद यूजिंग एजाइल मेथड फॉर डेवलपिंग लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कैन नॉट बी डेवलप्ड बाय स्मॉल टीम, स्केलिंग आउट मीन इज कंसर्न हाउ एजाइल मेथड कैन बी इंट्रोड्यूस अक्रॉस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद मेनी इयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। स्केलिंग अप का मतलब ये है कि ये छोटे जो एजाइल मेथड जो बड़े सॉफ्टवेयर के लिए कैसे यूज हो सकता है, स्केलिंग आउट का मतलब ये है कि ये कैसे जो है वो मेथड को बड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। व्हेन स्केलिंग एजाइल मेथड इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन एजाइल फंडामेंटल, एजाइल को जब आपने उसको मेथड को आपने करना है स्केल अप करना है स्केल आउट करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें फंडामेंटल जो मेंटेन रखनी होगी आपको, फ्लेक्सिबल प्लानिंग, फ्रीक्वेंट सिस्टम रिलीज, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, ये सारे काम करते रहने हैं फिर भी चाहे आप छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या बड़े पे।
उसके बाद जी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद एजाइल मेथड। एजाइल मेथड में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होते हैं जी, इनफॉर्मेलिटी ऑफ एजाइल डेवलपमेंट इज इनकम्पेटेबल विद लीगल अप्रोच टू कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन दैट इज कॉमनली यूज्ड इन लार्ज कंपनी। एजाइल मेथड आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रादर देन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। ये न्यू सॉफ्टवेयर जो उनके लिए अच्छा है, सॉफ्टवेयर नए जो पहले से बने उन पर एजाइल मेथड को अच्छा सूट नहीं करता। मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट इन लार्ज कंपनी कम फ्रॉम मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। ये बात हम कई दफ़ा कर चुके हैं। एजाइल मेथड आर डिज़ाइन फॉर स्मॉल कोर गेटेड टीम। एजाइल मेथड डिज़ाइन इस तरह किए जाते हैं कि जो छोटी टीम जो हैं वो इकट्ठे बैठ के एक जगह पे काम कर सकें। नो इन्वॉल्व वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड टीम। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड टीम वर्क भी शुरू हो चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होता है यह मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर बताया था। अल्लाह कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज। मोस्ट सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कस्टम सिस्टम आर बेस्ड अराउंड द स्पेसिफिकेशन विच सेट आउट ऑफ व्हाट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड बाय द सिस्टम डेवलपर फॉर द सिस्टम कस्टमर। इसमें जो सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट का इशू भी होता है फॉर कस्टमर्स। कॉन्ट्रैक्ट फॉर कस्टम सिस्टम आर बेस्ड अराउंड स्पेसिफिकेशन। सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और सेट किया जाता है कि ये चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है। बाज़ औक़ात जो होता है कि स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट टीम जो है वो एजाइल डेवलपमेंट को फॉलो कर रही होती है, तो याद उनका ये होता है कि आप टाइम फॉलो करें, नहीं आपने हमें इतना टाइम देना है उस हिसाब से पे करेंगे, या ये होता है कि आप ये फंक्शनलिटी पूरी करें तो उस हिसाब से पे करेंगे। ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट में, फिर ये इशू आते रहते हैं। लोग कहते हैं जी हमने इतना काम किया हमें इतने पैसे मिले, और ये कंपनीज कहती हैं जी आपने काम तो किया हमारा जो फंक्शनलिटी पूरी नहीं हुई तो हम पैसे कैसे पे करें, तो ये इशू आते हैं। उसके बाद एजाइल मेथड एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड मोर ऑन मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर देन दे डू ऑन न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ज़्यादातर कंपनी का फोकस जो यही होता है जो सॉफ्टवेयर पहले बने हैं उनको ही इन अपनी नई रिक्वायरमेंट के मुताबिक ढाला जाए, बजाय नए से सॉफ्टवेयर बनाए। सो इफ एजाइल मेथड आर टू बी सक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल होते हैं दे हैव टू सपोर्ट मेंटेनेंस एज वेल एज ओरिजिनल डेवलपमेंट। अगर तो एजाइल मेथड जो है वो लार्ज लेवल पर भी चले जाते हैं तो उसका यही है कि जो उनको जो है वो लार्ज सपोर्ट लार्ज लेवल पर भी वही चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए, पेयर प्रोग्रामिंग कंटिन्यूस कम्युनिकेशन। फिर इसके अंदर तो इश्यूज भी हो सकते हैं, वो इश्यूज क्या हो सकते हैं, वो ये है कि लैक ऑफ प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन। प्रोडक्ट क्योंकि बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं होगी तो फिर बड़ा इशू होता है, और कस्टमर इन्वॉल्वमेंट जो है वो हर टाइम बिल्कुल नहीं हो सकती भाई, अगर रखनी भी पड़ जाए तो ये भी एक बड़ा इशू होता है, कस्टमर हर टाइम जो साथ बैठा रहे। उसके बाद कंटिन्यूटी जो डेवलपमेंट उसको भी बड़ा मेंटेन रखना होता है, कि कभी बात कर कोई डेवलपर काम पे नहीं भी आता, वो छुट्टी पे आता है तो फिर क्या उस तरह के अंदर इश्यूज आते रहते हैं। एजाइल डेवलपमेंट रिलाइज ऑन डेवलपमेंट टीम नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज टू बी डन। एजाइल डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट टीम जो वो जानती होती है कि उसको समझती भी होती है कि उसको क्या करना है। फॉर लॉन्ग लाइफ सिस्टम दिस इज रियल प्रॉब्लम एज द ओरिजिनल डेवलपर विल नॉट ऑलवेज वर्क ऑन द सिस्टम। डेवलपर जो हर टाइम वर्क नहीं कर सकते। एजाइल एंड प्लान ड्रिवन मेथड। मोस्ट प्रोजेक्ट इंक्लूड एलिमेंट ऑफ प्लान ड्रिवन एजाइल प्रोसेस। जो प्रोजेक्ट हैं कुछ में प्लान ड्रिवन होता है, कुछ के अंदर एजाइल प्रोसेस होता है। ये डिसाइड करना होता है किस चीज़ जो है की तरफ हम जाएं, एजाइल प्रोसेस को करें या प्लान ड्रिवन, तो ये चीज़ हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। उसके बाद एजाइल प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस। कस्टमर इन्वायरमेंट एजाइल का प्रिंसिपल बेसिक ये है, चेंज को भी एक्सेप्ट करता है, इंक्रीमेंटल डिलीवरी भी होती है। उसके बाद मेंटेन सिंपलिसिटी होती है। सिंपलिसिटी यानी यूजर इंटरफेस जो साथ साथ काम हो रहा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, पता चलता रहता है, इतना हो गया। पीपल नॉट प्रोसेस, लोगों पे फोकस किया जाता है ना कि प्रोसेस के ऊपर फोकस किया जाता है। ये एजाइल के कुछ फैक्टर हैं जो प्लान बेस्ड दोनों के अंदर, एजाइल बेस्ड यूज़ करें या प्लान बेस्ड यूज़ करें, उन सब के अंदर ये वाले फैक्टर लाजमी होते हैं। सिस्टम किस तरह का, उसकी टाइप क्या है, किस लेवल पर यूज़ होगा, कितने अर्से तक चलेगा, इसके रूल एंड रेगुलेशन क्या होंगे, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी, कितने लोगों की टीम होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी या लोकल होगी, इस पर कोई कंपटीशन है जो सॉफ्टवेयर उसका होगा, टीम जो है वो कंपिटेंट है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे काम चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट पे चाहती है या डिलीवरी फ़ौरन चाहती है, या उसका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें जो फैक्टर जो है ये इससे अंदर आते हैं, जहन में रखने आते हैं। सिस्टम इशू जो हमें आते हैं और लार्ज सिस्टम इज़ बीइंग डेवलप। सबसे पहला क्वेश्चन सिस्टम कितना बड़ा सिस्टम आप डेवलप करना चाहते हैं। उसके बाद व्हाट सिस्टम की टाइप कौन सी है, सिस्टम लाइफ टाइम, ये चीज़ें जो पीछे हमने बताई हैं वही सारी ये चीज़ें बता रहा है।
उसके बाद जी ये सारी चीज़ें करने के बजाय मेथड फॉर लॉस, ये चीज़ें मैंने इसलिए स्किप कर दी क्योंकि यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको समझा दी थी। उसके बाद जी एजाइल मेथड फॉर लार्ज सिस्टम, लार्ज सिस्टम आर यू कलेक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनिकेशन सिस्टम, वहाँ पे जो लार्ज सिस्टम होते हैं वो मुख्तलिफ सिस्टम से मिलकर एक बड़ा सिस्टम बना होता है, तो उन अलहदा सिस्टम के लिए भी अलहदा टीम चाहिए होती है, हर टीम अपना काम कर रही होती है, फिर उनको मुख्तलिफ इलाकों में लोग काम कर रहे हैं तो रिमोटली काम हो रहा है, तो फिर ये बड़ा मसला होता है। एक हमारे यहाँ अगर सुबह तो हो सकता है किसी दूसरे कंट्री के अंदर जो है वो रात का टाइम है, तो ये बड़े इशू आते हैं। लार्ज सिस्टम और ब्राउन फील्ड सिस्टम डेट दे इंक्लूड एंड इंटरेक्ट विद नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, मैनी ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट आर कंसर्न विद दिस इंटरेक्शन एंड सो डू नॉट रियली लेंड देम सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। लार्ज सिस्टम ये ब्राउन फील्ड सिस्टम होते हैं, मतलब ये कि उसमें बहुत सारे सिस्टम से होते हैं, उसके बाद सारे सिस्टम जो इंटीग्रेट किए होते हैं तो ये भी एक काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है। लार्ज सिस्टम डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट प्रोसेस आर ऑफन कंस्ट्रेंड एंड बाई एक्सटर्नल रूल्स रेगुलेशन। लार्ज सिस्टम जाहिर बात है जो मुख्तलिफ लोग होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं तो उसके रूल एंड रेगुलेशन भी डिफरेंट होंगे, ये सारी चीज़ें। लार्ज सिस्टम है लॉन्ग प्रोक्योरमेंट एंड डेवलपमेंट टाइम भी चाहिए होता है इसके लिए काफ़ी सारा, उसके लिए डाइवर्स भी हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स काफ़ी सारे होते हैं तो वो डाइवर्स कर सकते हैं। आपको 11 बंदा होता है कहता है जी ऐसे काम हो, दूसरा कहता है ऐसे हो, तो ये दरमियान में कंट्राडिक्शन होती रहती है। लार्ज सिस्टम के अंदर जो फैक्टर होते हैं सिस्टम ऑफ सिस्टम ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट डाइवर्स स्टेक होल्डर रेगुलेटरी कौन सा, ये पीछे पॉइंट्स पड़े हैं ये वाले जो लार्ज सिस्टम के वही सारे यहाँ पे उसने डायग्राम के सूरत में समझा दिए हैं। IBM ने एजिलिटी एट स्केल मॉडल, IBM ने कुछ जो है जे कुछ जो स्केल मॉडल बयान के कैसे जो इसको होना चाहिए। कोर एजाइल डेवलपमेंट होनी चाहिए, कोर एजाइल डेवलपमेंट वैल्यू ड्रिवन लाइफ साइकिल सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फोकस ऑन कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद एजाइलिटी एट स्केल किस लेवल के ऊपर जो है स्केल डिसिप्लिन है, एजाइल डिलीवरी वेयर स्केलिंग फैक्टर्स अप्लाई होते हैं, ये डिसिप्लिन है एजाइल डिलीवरी, ये मतलब ये सारी चीज़ें जो एजाइल ने IBM ने एक मॉडल पेश किया था इस तरह जो आप जो वो अपने इसको स्केल कर सकते हैं, लार्ज लेवल पे लेके आना है या स्मॉल लेवल पे चलाना है। ये वही पे स्केलिंग कैसे होगी, लार्ज सिस्टम पे कम्प्लीटली इंक्रीमेंटल अप्रोच टू रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज इम्पॉसिबल, लार्ज तो हर चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो भी मिलना पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद देयर कैन नॉट बी ए सिंगल प्रोडक्ट ऑनर और कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं होती, कस्टमर ऑनर भी नहीं होता, मतलब जैसे हमने पीछे पढ़ा था चार्ट में तो यह था कस्टमर आना एक को अगर गलती लगी है तो सही कर भी सकता, लार्ज में ये नहीं होता, तो आपको पूछना पड़ेगा किसी के भैया आपने ये किया इसमें ये गलती आ रही है वाकई ऐसा है ये नहीं या मैं गलत समझ रहा हूँ, तो इस तरह के इशू आते हैं। फॉर लार्ज सिस्टम डेवलपमेंट नॉट पॉसिबल फोकस ओनली ऑन ईच कोड ऑफ द ऑन द कोड ऑफ द सिस्टम, क्रॉस टीम कम्युनिकेशन में हैव टू बी डिजाइन एंड यूज, तो ये स्केल करना आपने सिस्टम को लार्ज करना है तो ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है, कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज़ें बड़े जहन में आने। मल्टी टीम स्क्रम के लिए रोल एप्लीकेशन होनी चाहिए, ई टीम है प्रोडक्ट ऑनर फॉर देयर वर्क होना चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट आर्किटेक्ट होना चाहिए, रिलीज अलाइनमेंट स्क्रम ऑफ स्क्रम्स, ये वो टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। एजाइल मेथड जो ऑर्गेनाइजेशन में या लार्ज लेवल पर लेके जाना उसके ये प्रोसीजर सारा बताया, यही है कि मेथड हाई लेवल के लोग होने चाहिए, स्किल्स उनकी अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ें हमने डिस्कस की आज। तो ये जो की पॉइंट्स है जो आज हमने पढ़ा है उसके सारा जो पॉइंट्स दिए गए हैं कि जायल मेथड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मेथड डेट फोकस रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रीक्वेंट रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर रैपिड रिड्यूसिंग प्रोसेस ओवरहेड बाय मिनिमाइजिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी कोड। उसके अलावा जी दूसरी चीज़ हमने पढ़ी जाए डेवलपमेंट प्रैक्टिस के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होती है, यूजर स्टोरीज होती हैं, फ्रीक्वेंट रिलीज, कंटिन्यूस सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट, टेस्ट हस्ट डेवलपमेंट, कस्टमर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट टीम, और उसके अलावा जो हमने चीज़ पढ़ी है स्क्रम इज एन एजाइल मेथड दैट प्रोवाइड इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, इट इज सेंटर्ड अराउंड सेट ऑफ स्प्रिंट विद ए फिक्स टाइम पीरियड व्हेन सिस्टम इंक्रीमेंट इज डेवलप्ड। उसके बाद हमने पढ़ा था मैनी प्रैक्टिकल डेवलपमेंट मेथड आर मिक्सचर ऑफ प्लान बेस्ड एंड एजाइल डेवलपमेंट, ये बात भी हमने पढ़ी है। स्केलिंग एजाइल मेथड फॉर लार्ज सिस्टम इज डिफिकल्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि क्यों डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है, आपको अगर किसी किस्म का इशू है कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और शेयर करें, चैनल करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।